हाय दोस्तों, तो कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजी स्टडी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। हर और एक बात और बतानी है कि आप लोग को अंत में एक होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है, तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और एक बात और बतानी है कि आप लोग हमें जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर हम पढ़ाई लिखाई से जो भी नोटिस होती है वो बताऊंगा और पीडीएफ भी दे दूंगा। तो जाके आप जरूर, नीचे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही आसान और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, बस वीडियो में आप सिर्फ साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार तार को जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, काटकर एक आयत की आकृति के रूप में मोड़ा गया है, ठीक ना, जिसके भुजाओं का अनुपात क्या है, 6:5 है। तो पूछ रहा है आयत की जो लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई है वो कितनी होगी। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है। क्या दिया है, त्रिज्या दे दिया है ना, और यहाँ पर वृत्ताकार बोल रहा है वृत्त है ना, और 42 सेंटीमीटर दे दिया त्रिज्या का मान। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं वृत्त की परिधि निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आर का मान कितना दे दिया है, आर का मान दे दिया है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 42 सेंटीमीटर, ठीक ना। और यहाँ पर वृत्त का परिधि निकालना है, तो लिखिए वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का परिधि बराबर होता है, क्या चीज़ होता है, 2πr होता है, क्या होता है, 2πr होता है, ठीक ना। तो 2πr लिख दिया, 2π का मान क्या होता है, 22/7, यहाँ 22/7 लिख दिया, इनटू में r, r का मान कितना दिया, 42 दिया, यहाँ पर 42 लिख देते हैं। देखिए 7 से कट जाएगा, के कितने मरतबे, 6 मरतबे, 7×6=42, चलिए गुना कर लीजिए, 22 में 2 से गुना करेंगे कितने हो जाएगा, 44×6, जब 44 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए ना, आप क्या बोल रहे हैं हमको करने के लिए, कि एक आयत के आकृति के रूप में मोड़ा गया, जो वृत्त की परिधि यहाँ पर जो तार दिया गया उसको क्या चीज़ कर दिया गया है, आयत के आकृति के रूप में मोड़ दिया गया, जिसका भुजाओं का अनुपात क्या है, 6:5 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, आयत का परिमाप निकाल लेते हैं, ठीक ना। जब आयत का परिमाप निकालेंगे तो इसका आंसर हमें क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जब आयत का परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए, तो ये क्या है, 6:5 है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लंबाई को क्या मान लेते हैं, 6x मान लेते हैं, और यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 को क्या मान लेते हैं, चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक ना, 5x हो जाएगा। इतना तक तो समझ गए, अब हमको क्या करना है, आयत का परिमाप निकालना है ना, नोट करना है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए आगे हम बता रहे हैं, चलिए आगे देखिए आगे क्या होगा। अब आयत का परिमाप निकालना, तो चलिए हम लोग आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। चलिए अब आयत की परिमाप, आयत की परिमाप का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, इधर लिखते हैं, देखें 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक ना, ये होता है। और क्या बोल रहा है, जो हमारे वृत्त की परिधि है ना, उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, उसके बराबर में रख देंगे, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 264 है, तो यहाँ पर 264 कर देते हैं, ठीक ना। चलिए 2 × लंबाई कितना था मेरा, लंबाई कहाँ है, 6x माने थे ना, यहाँ पर 6x रख देते हैं, प्लस में चौड़ाई कितना था, 5x था, तो यहाँ पर 5x रख देते हैं, और बराबर में क्या कर देते हैं, 264, ठीक ना। चलिए ये गुना में है 2, इधर जाएगा तो बराबर के इधर क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में, 6×5 क्या हो गया, 11x, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 264 में क्या हो जाएगा, 2 गुना में इधर आने के बाद क्या होगा, भाग में, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, 2 से कितने मरतबे कट जाएगा, 132 मरतबे कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 11x बराबर हो गया 132, ठीक ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 132/2 में क्या हो जाएगा, 11, कितना मरतबे कट जाएगा, ये कट जाएगा 1 मरतबे, यहाँ पर कट जाएगा 2, मतलब 12 मरतबे कट जाएगा, ठीक ना। तो x का मान जो आया हमको कितना आया, 12 आ गया ना, x का मान 12 आ गया, लेकिन हमको क्या बोला है यहाँ पर, आयत की छोटी भुजा की लंबाई, तो आयत की छोटी भुजा कौन है, 6x है कि 5x है, तो छोटी तो 5x है ना, तो यहाँ पर हम 5x बराबर हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा यहाँ निकालना है, ठीक ना। तो 5x बराबर हो जाएगा 5
इंटू एक्स का मान कितना था 12, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं, गुना कीजिए 12 में, जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पचे 60, क्या हो जाएगा 60। देखिए 60 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे कि 60 आंसर है ना, तो नोट करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60 आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 60 ये है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर ये आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग को, जो नेवी एमआर की एग्ज़ाम है उसमें त्रिकोणमिति से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि टेन थीटा बराबर 4/3, मतलब टेन थीटा बराबर कितना दे दिया है, टेन थीटा बराबर दे दिया 4/3 दे दिया, ठीक ना, तो बोला है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 2 थीटा का मान पूछ रहे क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं क्या चीज़, ये आपको दे दिया है कितना 4 और ये 3 दे दिया है, तो यहाँ पर तो आप लोग को क्या क्या दे दिया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग को लंबे दे दिया है और आधार दे दिया है, लेकिन कर्ण आपको नहीं दिया है ना, ये 4 हो गया क्या चीज़ हो गया लंब हो गया ना, और ये नीचे वाला जो 3 है वो क्या हो गया आधार हो गया ना। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, तो चलिए हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं इतना। चलिए लंब का मान कितना है, देखिए लंब का मान आप लोग देख रहे होंगे, तो लंब का मान 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस आधार, तो आधार कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है 3 का स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का हो जाएगा 4×16 और 3 का करेंगे तो हो जाएगा 3×3 9, 16×9 कितना होता है 25, और ये 25 का जब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो जो हमारे कर्ण का मान आया वो कितना आ गया, कर्ण का मान हमको 5 आ गया, तो हमको पता चल गया कि लंब 4 है, आधार 3 है और कर्ण 5 है। अब इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉस 2 थीटा का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले करते हैं निकालते हैं, चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कॉस 2 थीटा, यहाँ पर क्या लिख दें कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या होता है कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1-2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। तो आप इतना तो मालूम हो गया कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर आप लोग को करना क्या है कि हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में होता है कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है ना। तो चलिए लंब का मान कितना है, देखिए तो लंब का मान आपको मालूम होना चाहिए कि लंब का मान था कितना 4 था और कर्ण का मान निकाल लेते तो कितना आया था 5 आया था, तो ये कितना हो गया साइन थीटा बराबर 4/5 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा को कॉस 2 थीटा रहने देते हैं और इधर 1-2 इंटू साइन थीटा की जगह पर हम 4/5 रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 4/5 कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर, तो इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं 1-2 इंटू, अब चलिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4×16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 लिख देते हैं, ठीक ना। चलिए 25 हो गया, चलिए आप यहाँ पर देखते हैं 1 हो गया माइनस में दो पर में 2 से 16 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और नीचे में क्या है 25, तो यहाँ पर 25 लिख देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, चलिए एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम 25 हो जाएगा, एक में जब 25 से भाग देंगे तो 25 और एक में 25 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 32। चलिए घटाइए, जब घटा के हम इसको लिखेंगे, जब 25 में से 32 को घटाएंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा माइनस में 7 आ जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 25। तो देखिए माइनस में 7/25 कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखते हैं माइनस में 7/25 कौन से ऑप्शन में, तो माइनस में देखिए 7/25 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, माइनस में 7/25 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब बार बार हम नहीं बोलेंगे, आप लोग को नोट करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलिए आप लोग ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि समीकरण x²-19x+10=0 के दो मूल हैं, तो इन दोनों मूल का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, एक तो छिपा ही रहता है, तो a का मान क्या हो गया 1 हो गया, b का मान कितना हो गया माइनस में 19 हो गया और c का मान क्या हो गया 10 हो गया। तो आप इतना तो मालूम होना चाहिए, आप क्या पूछ रहा है बराबर 0 के दो मूल हैं, इन दो मूल्यों का योग क्या होगा, तो
सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मूलों का योग का सूत्र क्या होता है। तो मूलों का योग का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, वो सूत्र होता है माइनस में सी वाई ए, माइनस में सी सॉरी माइनस में हो जाएगा वी वाई ए, क्या हो जाएगा, माइनस में वी वाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में वी वाई ए कर देते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी जिसका जिसका मान है वहाँ पर पुट कर देना है। तो देखिए v का मान कितना है, माइनस में 19, पहले से तो माइनस है ही, और माइनस में क्या है, b का मान 19 है, ठीक। और नीचे में क्या है, a, तो a का मान देखिए कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 19 हो जाएगा, 19 के नीचे 1 छुपा रहता है, तो 19 का 19 हो जाएगा। तो देखिए 19 कौन से ऑप्शन में आंसर है, तो देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी है, उसमें 19 आंसर है, तो प्लस में 19 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राम और मोहन 200 मीटर की दौड़ क्रमशः 22 और 25 सेकंड में पूरी करते हैं। जब राम अंतिम रेखा पर पहुंचता है तो मोहन अंतिम रेखा से कितनी दूरी पर होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान ढंग से समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोहन की चाल। तो मोहन की चाल के लिए क्या करना होगा, मोहन की चाल बराबर हो जाएगा, मोहन की चाल बराबर हो जाएगा क्या चीज़, पहले तो 200 मीटर है तो 200 मीटर को कर लेते हैं, ठीक ना, और बटा में क्या कर लेते हैं, मोहन की चाल बराबर 25 कर लेते हैं, तो 25 सेकंड है तो 25 कर लेते हैं, इसको जब भाग दीजिएगा तो कितने मरतबे कट जाएगा, 8 मरतबे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 सेकंड, ठीक ना, 8 सेकंड मीटर, 8 सेकंड मीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये मोहन की चाल हो गया, ठीक ना। तो आप मोहन द्वारा कितनी देर में क्रमशः मोहन द्वारा 22 सेकंड में तय की गई दूरी आप निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मोहन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, मोहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा क्या चीज़, मोहन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 22 सेकंड में, मोहन द्वारा 22 सेकंड में, यहाँ पर 22 छूट गया, 22 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो 22 गुने क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब आप दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 176 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको क्या पूछ रहा है, जब ये तो हम निकाल लिए मोहन की चाल निकाल लिए और मोहन द्वारा 22 सेकंड में तय की गई दूरी भी निकाल लिए हैं, लेकिन हमको पूछ रहा क्या है कि मोहन अंतिम रेखा से कितनी दूरी पर होगा, जब राम अंतिम रेखा पर पहुंचता है तो मोहन अंतिम रेखा से कितनी दूरी पर होगा, ये ना पूछ रहा है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिंपली क्या करना है, 200 है तो 200 लिख देना है, उसमें से माइनस कर लेना है कितना, 176 मीटर को, तो 176 मीटर माइनस कर लेते हैं। जब आप 176 मीटर को जब माइनस कीजिएगा तो आप लोग को कितना दिखाई देगा, जब घटाइए तो आप लोग को 24 मीटर हो जाएगा, जब घटाइएगा तो 24 मीटर देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे कि 24 मीटर है ना, 24 मीटर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पांचवा क्वेश्चन आप लोग के लिए आ रहा है, तो पांचवा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छी ढंग से आप लोग समझिएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन है कि 7 - 4√3 तो x + 1/x = what, मतलब x का मान आप लोग को दे दिया है कितना, 7 - 4√3 दे दिया है, ठीक ना। तो आप लोग से क्या पूछ रहा है, आप लोग से पूछ रहा है कि x + 1/x, मतलब ये दे दिया आप लोग को, देखिए यहाँ पर x + 1/x बराबर क्या होगा, इसी का मान पूछ रहा है आप लोग को, तो कुछ नहीं करना है सिंपली, ठीक ना। चलिए आप लोग यहाँ पर क्या कर लीजिए, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, इसका जब एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x² और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप लोग x का जो मान है उसको रख दीजिए, तो x का जब मान आप लोग यहाँ पर रखिएगा तो x का मान कितना है, 7 - 4√3, तो यहाँ पर रख दीजिए 7 - 4√3, ठीक ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस में 1 है तो 1 कर दिए, ठीक। नीचे करते हैं x, x का मान कितना है, 7 - 4√3, यहाँ पर कर देते हैं 7 - 4√3,
आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा 7 - 4√3 दिख रहा है ना, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसी के रूप में आप लोग को दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है ना इसी के रूप में, ए माइनस बी के रूप में। तो ए माइनस बी का इसको क्या करते हैं, उस पर तोड़ देते हैं, होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। जब इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये कितना हो जाएगा, जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होगा। जब 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे, 4√3 का तो हो जाएगा 4×16, और रूट तीन में है तो रूट तीन स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 3 हो जाएगा, और 16 में जब 3 से गुना करेंगे तो 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक ना। ये बात को आप नहीं समझे तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 4√3 है ना, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है ना। चलिए 4 का करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 16, और स्क्वायर जब रहता है तो रूट हट जाता है ना, तो रूट हट जाएगा, रूट यहाँ से हट जाएगा, रूट यहाँ से हट जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, तो 16 कितना हो जाएगा, 48। तो यही यहाँ पर 48 है, ठीक। चलिए आगे करते हैं, माइनस में 2ab होता है ना, 2ab तो 2 × 7 तो कितना हो जाएगा, 14, और 14 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14×56, तो 56√3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और प्लस में 1 था तो यहाँ पर प्लस में 1 कर दिए, ठीक ना। चलिए अब इसके पूरे के नीचे क्या कर देते हैं, 7 - 4√3, ठीक। उतारना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए, ठीक ना। चलिए आप देखिए आप क्या करना है, आप लोग को सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं पूरा को। यहाँ पर क्या है, एक है ना, और यहाँ पर 49 है 49 = 50 है, 50 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 98, और माइनस में 56√3 क्या हो जाएगा, 56√3, और यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा आपको, 7 - 4√3, ठीक ना, यही हो जाएगा ना। चलिए नोट करना है तो नोट कीजिए, चलिए आगे बताते हैं आप, आगे हो जाएगा कितना, देखिए फिर से यहाँ बताते हैं आपको, यहाँ हो गया कितना आ गया था, हम लोग को आ गया था 98 माइनस कितना आया था, 56√3, और बटा में हो जाएगा मेरा 7 - 4√3, यही ना आया था। चलिए अब इसमें से ऊपर में देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए कि ऊपर वाले जो अंक है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें देख रहे होंगे कि आप लोग को 14 कॉमन आ रहा है ना 14 कॉमन। जब आप लोग 14 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 14 * 7 क्या होता है, 98, तो यहाँ 7 बच जाएगा, माइनस का चिन्ह, 14×56, तो यहाँ 4 बच जाएगा, और √3 को √3 रहने देते हैं, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाएंगे, जो है लिखा हुआ वही उतारेंगे सेम टू सेम, 7 - 4√3, तो 7 - 4√3 देखिए दोनों में कुछ सेम दिखाई दे रहा है, 7 - 4√3 है, यहाँ भी ये 7 - 4√3, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये से ये पूरा कट गया, तो बच गया क्या, बच गया 14 बच गया। तो देखिए 14 कौन से ऑप्शन में है, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में 14 आंसर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का जो होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर है कि कौन सी संख्या 90 से 40% कम है, यहां पर टाइपिंग में गलत हो गया, कम है, ठीक ना, क्या हो जाएगा, कम है। तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और भाई अभी चैनल पर नया है तो भाई को जरूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।